डिस्कवरी गार्डन में इन्वेस्टमेंट क्यों करनी चाहिए और कितना मुनाफेमंद हो सकता है ये प्रोजेक्ट, तो ये कंप्लीट डिटेल्स आपको इसी वीडियो में देंगे, एंड तक देखना ना भूलिएगा। सो डिस्कवरी गार्डन की बात करें तो डिस्कवरी गार्डन फलकनास ग्रुप का प्रोजेक्ट है। फलकनास ग्रुप अगर देखते हैं प्रोफाइल के लिहाज से बात करते हैं तो फलकनास ग्रुप इससे पहले भी तकरीबन 55 प्रोजेक्ट्स डिलीवर कर चुका है, मेजॉरिटी इन कराची, फ्यू आर इन सवात और नारान। अभी डिस्कवरी गार्डन जो है मल्टीपल प्रोजेक्ट्स तकरीबन 1900 प्रोजेक्ट्स बना रहे हैं, जिसमें आपके पास अस्करी टावर्स हैं लाहौर के अंदर और डिस्कवरी गार्डन है मोटरवे के ऊपर, मोटरवे इस्लामाबाद के ऊपर। डिस्कवरी गार्डन की डिटेल्स अगर देखें तो फर्स्ट टाइम पाकिस्तान में कोई एंटरटेनमेंट सिटी बनाने जा रहा है, जिस तरह एंटरटेनमेंट सिटीज़ आपके पास बाहर के मुल्कों में होती हैं, हर साल वहाँ पे टूरिज्म के लिए लोग जाते हैं, वाटर पार्क्स होते हैं, अंदर हट्स हैं, लोग स्टे करते हैं वहाँ पे, इसी तरह की एंटरटेनमेंट सिटी जो है वो फर्स्ट टाइम पाकिस्तान में जो है फलकनास ग्रुप जो है वो बना रहा है डिस्कवरी गार्डन के लिहाज से। डिस्कवरी गार्डन में अगर आप देखते हैं तो आपके पास तकरीबन 40-50% लैंड पर आपके पास जो है आपको ग्रीनी नज़र आएगी और बाकी आपके पास वाटर पार्क और राइट्स के लिहाज से सारी चीजें वहां पे होंगी। अब अगर आप प्रोजेक्ट के लिहाज से देखते हैं, प्रोजेक्ट की लोकेशन बहुत अच्छी है, कैपिटल स्मार्ट सिटी के बिल्कुल साथ है, कैपिटल स्मार्ट सिटी वाला जो इंटरचेंज है वो भी ये शेयर करेंगे। लोकेशन के लिहाज से देखते हैं तो इसके साथ ही जो अभी र्यूमर्स चल रही है प्लस जो लैंड परचेज की गई है DHA 9 की, जो कि आपके कैपिटल स्मार्ट सिटी की लाइन में आएगा और नियरेस्ट टू आपका डिस्कवरी गार्डन होगा, उसकी वजह से काफ़ी रुझान जो है वो हुआ। प्लस अगर आप प्रोफाइल देखते हैं, क्योंकि जब भी आप किसी प्रोजेक्ट की बात करते हो खास तौर पे वो प्रोजेक्ट प्रोडक्शन इंस्टॉलमेंट्स पे होता है, तो आपको बिल्डर की प्रोफाइल देखना ज़रूरी होती है कि अरे बिल्डर ने पहले भी प्रोजेक्ट्स बनाए हैं या नहीं बनाए हैं, इस बार भी बाकी सोसाइटीज़ कितना जो है फाइल्स भेज के या प्लॉट्स भेज के भाग जाएंगे, डेवलपमेंट कुछ भी नहीं करेंगे। तो जब आप फलकनास की प्रोफाइल देखते हैं तो पिछले 15-20 साल से ये लोग मार्केट में हैं, तकरीबन 55 प्रोजेक्ट्स ये डिलीवर कर चुके हैं। अगर आप कराची में देखते हैं तो तकरीबन 26,000 रेजिडेंस इन लोगों ने बना के डेवलप करके लोगों को दी। तो जब इतने बिल्डर की आप बड़े बिल्डर की बात करते हैं तो फिर हर इस तरह के डेवलपर्स को अपनी जो रेपुटेशन होती है वो स्टेक पे हमेशा रहती है, इसलिए हर प्रोजेक्ट जो है वो आगे वाला भी डिलीवर होते हैं। इससे ये पता चलता है कि अगर आप फॉर एग्जांपल डिस्कवरी गार्डन में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो वो सेफ होगी, टाइमली डिलीवर करेंगे, रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ इन्वेस्टमेंट प्लान करेंगे, जो चीज़ बताई है वो जगह उसी तरीके से होगी। एट द सेम टाइम अगर ये लोग देखते हैं तो डिस्कवरी गार्डन जो है तकरीबन 11 अस्करी टावर्स जो है वो डेवलप कर रहे हैं इन कोलैबोरेशन विद अस्करी इन लाहौर, जो कि एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। कहने का मतलब ये कि एक बड़ा बिल्डर जिसके पास इन्वेस्टमेंट हो, प्लानिंग हो, तो अगर वो कोई चीज़ डेवलप करता है तो हमेशा फ्रूटफुल अर्थ होती है। चक्री रोड का जिस तरह से आपको आइडिया कि वहाँ पे बेतहाशा सोसाइटीज़ हैं, 10 साल से सेल हो रही हैं लेकिन डिलीवरी आज तक नहीं हुई, अदर देन अगर आप वहाँ पे देखते हैं तो आपको या कैपिटल स्मार्ट सिटी मिलेगी या आपको ब्लू वर्ल्ड हाउसिंग सोसाइटी मिलेगी, इसके अलावा आपको वहाँ पे कोई काम की चीज़ नज़र नहीं आएगी। तो अब आपके पास एक और अपॉर्चुनिटी है जो कि सेफर है शायद आपकी बाकी दो ऑप्शन से भी, क्योंकि कैपिटल स्मार्ट सिटी अब हो चुका है एक्सपेंसिव और जो आपका ब्लू वर्ल्ड सिटी बनता है वो चक्री इंटरचेंज पे बनता है जो कि आगे है। प्लस अगर डेवलपर के रिप्यूट चेक करते हैं तो अगर आपके डिस्कवरी गार्डन का कॉन्सेप्ट भी डिफरेंट है, यहाँ पे आपको एंटरटेनमेंट सिटी मिलेगी, कैपिटल स्मार्ट सिटी या ब्लू वर्ल्ड में आपको सिर्फ रेजिडेंस मिलेगा जिसका जो है वो सेम पर्पज़ है जिस तरह आपके बाकी सोसाइटीज़ के अंदर होता है। अगर इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं तो प्रॉफिट आपको हमेशा ज़्यादा यूनिकनेस में मिलता है, जहाँ पे जितनी चीज़ यूनिक होगी उतना ज़्यादा प्रॉफिट आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं फ्यूचर में। सो फ्यूचर में अगर यहाँ पे देखते हैं कि डिस्कवरी गार्डन में आपका टूरिज्म बढ़ेगा, लोग आएंगे, रेंटल वैल्यू ज़्यादा होंगी, तो आपको ज़्यादा हाई प्रॉफिट मिलेगा। जहाँ तक आपके पास LOP NOC की बात है, NOC इन प्रोसेस था लेकिन अभी ही रिसेंटली जो चीज़ें अनाउंस हुई हैं उसके थ्रू यही पता चला कि डिस्कवरी गार्डन को तकरीबन बाय नवंबर जो है वो NOC मिल जाएगा। और उसके साथ ही अभी अगर डेवलपमेंट स्टेटस देखते हैं तो डेवलपमेंट ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी हुई भी है। हमने आपको प्रीवियस वीडियोज़ में दिखाया था कि वहाँ पर जो ग्राउंड वर्क चल रहा है वो किस तरह से है, कितनी पेस पर चल रहा है। तो डिस्कवरी गार्डन या फलकनास ग्रुप इस कमिटेड के जैसे ही NOC अप्रूव होता है प्राइसेस विल बी इंक्रीज्ड और बाय द टाइम जो है ये लोग और जो है फास्ट पेस में डेवलपमेंट करके तकरीबन इनिशियली जो डिस्कवरी गार्डन है वो फलकनास उसको दो फेजेस में डिवाइड करता है। एक फेज में एंटरटेनमेंट सिटी की बात करो तो सेकंड फेज में आपके रेजिडेंशियल और बाकी चीज़ों की बात करता है। तो दे आर प्लानिंग कि जैसे ही हमें NOC मिलता है हम लोग फास्ट पेस में डेवलपमेंट शुरू करेंगे और तकरीबन 2.5 साल के अंदर आपको डिलीवर कर देंगे। अभी जो मार्केट में
फलकनाज ने या डिस्कवरी गार्डन ने जो चीज़ें लॉन्च की हुई हैं वो आपके रेजिडेंशियल प्लॉट्स ही आते हैं, जिसमें आपके पास 5 मरला, 8 मरला, 10 मरला, 1 कनाल, 2 कनाल के प्लॉट्स हैं। इसके अलावा और बहुत सारी चीज़ें जो अभी तक लॉन्च नहीं हुई, जो कि NOC आने के बाद लॉन्च होगी, जिसमें आपके पास कमर्शल्स आ जाते हैं, आपके पास लेक व्यू हर्ट्स आ जाते हैं, अपार्टमेंट्स आ जाते हैं। ये वो सारी चीज़ें जो कि आपके आगे भी लॉन्च होगी। अभी सिर्फ आपके रेजिडेंशियल चीज़ें लॉन्च हुई हुई हैं, फाइल्स परचेज कर सकते हैं। जैसे NOC आएगा उसके विद इन 2-3 मंथ्स आपके बैलेटिंग भी हो जाएगी, और वो लोग जिन्होंने इंस्टॉलमेंट्स दी होंगी उन लोगों को बैलेट में कंसिडर किया जाएगा और उनको जो है प्लॉट असाइन किया जाएगा, ताकि आने वाले टाइम में उनको जो है लोकेशन पता चल सके कि उनका प्लॉट किधर और कहाँ पे आता है, किस तरह की चीज़ आती है। सो अगर आप फ्यूचर में इन्वेस्ट करना चाहते हैं फाइल्स में, या आप सोसाइटी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं इंस्टॉलमेंट्स के ऊपर, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो के कैश पे अफोर्ड नहीं कर सकते, प्लस अगर आप इस्लामाबाद पिंडी के अंदर देखते हैं तो आपको 5 मरले का प्लॉट भी कम अज़ कम 1 करोड़ के अंदर मिलता है। अगर आप यही चीज़ इंस्टॉलमेंट्स पे देखते हैं या लॉन्ग टर्म के लिहाज से देखते हैं, तो शायद आपको इसी 1 करोड़ की प्राइस के अंदर डिस्कवरी गार्डन या इस तरह के जो प्रोजेक्ट्स हैं उसके अंदर आपको शायद 2 कनाल का प्लॉट भी मिल जाए, प्लस अगर वो 4 ईयर्स में डिलीवर होता है। यानी डेफिनेटली अगर 4 ईयर्स हैं तो यहाँ पाकिस्तान में 6 महीने 1 साल तो एक्स्ट्रा लग जाता है, लेकिन स्टिल अगर वो 5 साल में भी डिलीवर होता है तो इट्स वेरी प्रॉफिटेबल, क्योंकि उस लोकेशन में इस तरह की चीज़ मौजूद नहीं है, तो आपको आने वाले टाइम में और जो है एडवांटेज दे सकती है। सो आज की वीडियो के लिए इतना ही था। अगर आप डिस्कवरी गार्डन से रिलेटेड और इन्फॉर्मेशन जानना चाहते हैं तो नीचे दिए गए हुए नंबर पर हमसे रابطہ कर सकते हैं, ताकि हमारी सेल्स टीम आपको बेहतर तरीके से गाइड कर सके रिगार्डिंग डिस्कवरी गार्डन। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। ज़ुहैर मुस्तकीम, रियल एस्टेट एडवाइज़र से अल्लाह हाफ़िज़।